बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने प्रशासनिक गलियारे में एंट्री ले ली है। राज्य के मुख्य सचिव अरुण सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अपनी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह होम आइसोलेशन में चले गए हैं और घर पर ही रहकर इलाज करा रहे हैं। खास बात यह है कि मुख्य सचिव पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार के साथ कई समीक्षा बैठकों में शामिल हुए थे। वहीं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खास बात यह है कि दो दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद मंत्री जी की तरफ से इसकी सूचना सार्वजनिक नहीं की गई थी। मंत्री जी के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी नहीं होने की वजह से विभाग के कर्मचारियों और उनके संपर्क में आए लोगों ने अब तक अपनी टेस्टिंग नहीं कराई है, जो एक बड़ी लापरवाही इसे कह सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कि किस तरह कोरोना बिहार को अपनी चपेट में ले लिया है, तमाम प्रशासनिक हो या चाहे विभाग हो या आम लोग हो, किस तरह से कोरोना संक्रमण के दायरे में आ रहे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव कमल है फोनलाइन पर। राजीव, सबसे पहले आपसे जानना चाहें कि बिहार में कैसी स्थिति है, खासकर राजधानी पटना की बात करें तो कोरोना को लेकर क्या स्थिति है अभी? देखिए, कोरोना को लेकर एक तरीके से बिहार में अब लगातार वो स्थिति महामारी की तरीके से फैल रही है। जिस तरीके से रोज 4500 से लेकर 5000 तक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, पटना में खुद लोग 1000 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं दहशत है। और रोज ट्रेन में या तो आप फ्लाइट से लेकर कहीं ना रोज बाहर से लोग आ रहे हैं, उनमें कोरोना पॉजिटिव बहुत ज्यादा अधिक पाए जा रहे हैं। और जब आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सचिव से लेकर मंत्री तक को कोरोना हो चुका है, वहीं कार्यालय में जो जदयू कार्यालय हो चाहे आपका राजद कार्यालय हो, वहां भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप सरकार से लेकर विपक्ष में भी कोरोना धीरे धीरे पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। राजीव, अब प्रशासन भी जब कोरोना की चपेट में हो तो आम लोगों को क्या कहे, उनके बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है? हम ये जानना चाहते हैं कि अभी क्या स्थिति है, क्या कुछ तैयारियां है प्रशासन की ओर से? देखिए, तैयारियां दानापुर स्टेशन के बाहर वहां कोविड के जांच के लिए किया जा रहा है। स्वास्थ्य जितने भी वहां ट्रेन से लोग आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। आपको वो एयरपोर्ट पे है बाहर, वहां भी जांच की जा रही है। राजीव, एक सवाल यह भी है कि मदन सहनी जो समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्हें कोरोना हो गया, उनकी रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन उन्हें इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। दो दिन पहले उनको रिपोर्ट मिल गई थी, तो ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही एक मंत्री जो एक जनप्रतिनिधि है, उनसे ये क्या उम्मीद की जा सकती है? कितने लोग कोरोना संक्रमित उनकी वजह से हो सकते, क्योंकि कई कार्यक्रम उनको भाग देना पड़ता है। देखिए, बात है कि कोरोना मंत्री हैं, वो उन्होंने ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने का, हो सकता है कि लोगों में दहशत ना हो, जो आसपास उनके साथ मिले हों उनको इससे दिक्कत ना हो। वो वैसे उन्होंने लोगों को कह दिया है कि आप जो जो हमारे संपर्क में हैं वो जांच करा लें, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से रिपोर्ट को ना बताना वो कहीं ना कहीं लापरवाही तो दिखती है। लेकिन एक तरीके से मान के चले मंत्री को होना और कैबिनेट मंत्री को हो जाना कहीं ना कहीं एक दस्तक है कि अब सरकार भी इससे सचेत हो जानी चाहिए और लॉकडाउन तो अभी फिलहाल सरकार कहने के लिए तो कुछ भी तैयार नहीं हो रही है। लॉकडाउन के लिए तो नहीं सरकार, अभी तक जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए या मुख्यमंत्री के हो या स्वास्थ्य सचिव के हो, कोई अभी तक लॉकडाउन के बारे में नहीं कहा। लेकिन एक मान के चलिए कि कर्फ्यू हो सकता है, रात वाली कर्फ्यू हो सकता है लग जाए, लेकिन अगर जिस तरीके से अगर मामले अगर बढ़ते गए तो हो सकता है कि इस महीने के लास्ट तक कहीं लॉकडाउन लग भी जाए, क्योंकि महाराष्ट्र और जितने भी राज्य हैं वहां एक तरीके से स्थिति बहुत खराब है। और धीरे धीरे बिहार में भी अब 5000-6000 से लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं।
जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि बिहार में प्रशासन और मंत्रालय में भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। मदन सहनी जो समाज कल्याण मंत्री हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और तमाम विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी धीरे धीरे कोरोना के दायरे में आते जा रहे हैं।